भारत को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे। ये नोट जो गवर्नर जो छपवाती नोट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बनती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है कि आपकी इकोनॉमी को कितना पैसा चाहिए, उसके आप कुछ मॉडल निकालिए। जैसे आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रही है, आपकी ग्रोथ इकोनॉमी रेट क्या चल रही है, आपकी पुराने नोट कितने रिप्लेस करनी है, इसके मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर ये नोट छपवाई जाती है। उसके पीछे कोई मटेरियल या होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस पैसे को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, जिसके पीछे क्रेडिट की जरूरत नहीं होती, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। यह पैसा एक प्रकार का हो गया जो सरकार छपवा सकती है रिजर्व बैंक से और इसमें कि कितनी हमारी वृद्धि है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी है, इन्फ्लेशन के रेट क्या है, इसके मैथमेटिकल मॉडल बनते हैं और उसी हिसाब से नोट छपवाई जाती है। दूसरा एक पैसा होता है, जब मैं किसी के नाम पे, अगर कोई हम जैसे कोई उठ के किसी के नाम पे एक चेक लिखता है, पे टू समबड़ी, और नीचे हम साइन करते हैं, यह दूसरा पैसा होता है जिसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी बोलते हैं। ये दूसरा पैसा हम सब लोग बना सकते हैं खुद का। 500 रुपए का चेक और 500 रुपए की करेंसी नोट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को ही ट्रांजैक्शन मनी यही बोला जाता है। इकोनॉमिक टर्म्स में उसको नैरो मनी भी बोलते हैं, M1। लेकिन ये दूसरा पैसा जो बनाना होता है, इसके लिए आदमी की बैंक अकाउंट होनी जरूरी है, उसके बैंक में साख होनी जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है, तभी वो मान लेगी बैंक। ये जो बैंक प्रणाली है जिसमें मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं खुद का, इसके लिए मेरा बैंक में अकाउंट होना और मेरी साख होना जरूरी होता है, इसीलिए इसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी भी बोलते हैं। पहला पैसा सरकार जो बनाती है वो पावर मनी होती है, जिसको हाई पावर्ड मनी होता है, और दूसरा पैसा जब हम सब आम लोग बना सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से बनाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बनाए, ये साख के ऊपर होती है। इसके लिए बैंक का होना बहुत जरूरी होता है, और यही हमारी एक गलती यहां होती है। हम में से सब पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी मात्रा में हम सरकार का पैसा यूज करते हैं, करेंसी नोट, खुद का पैसा हम तैयार नहीं करते हैं। ये जो करेंसी नोट होती है ये हाई पावर्ड होती है, इसके बाद और एक उसके साथ अवगुण भी होती है। ये करेंसी नोट नॉन ट्रेसेबल होती है, एक बार उसने हाथ बदल दिया तो कौन किसके लिए किसने पैसा दिया कभी समझ में नहीं आएगा। मेरी 500 की नोट अगर इनके जेब में चली गई तो ये किस लिए आई, कहां से आई, कोई इसका पता नहीं लगेगा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन बैंक मनी ट्रेसेबल होता है, अगर मेरे अकाउंट से मैंने किसी को चेक दिया तो कौन से अकाउंट से गया, कब गया, कैसे गया, ये पूरा रिकॉर्ड बनता है। बैंक मनी ट्रेसेबल होता है। 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पे अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, ट्विन टावर गिर गए। उसी साल हमारे पार्लियामेंट पे भी अटैक हो गया। 2001 के बाद भारत में, अमेरिका में दूसरा अटैक नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक, भारत में तो अभी अभी मुंबई ब्लास्ट तो अभी चल ही रहे। अमेरिका ने सिर्फ एक कर दिया, 2000 के बाद जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके बैंक अकाउंट उन्होंने सीज कर दिए, सील कर दिए। अभी उनके पास विटामिन एम है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं है। अमेरिका, यूरोप, सभी जगह आपको मालूम है 90% 95% तक तो आपको थ्रू बैंक ही जाना पड़ता है, और हमारे देश में तो करेंसी नोट पे ही सब चलता है। कौन छपवाता है, कैसे छपवाता है, एक करेंसी नोट छपवाने के लिए अपने देश को आज 39 रुपया खर्चा आता है, 39 रुपया। उसमें इंडोर्स कुछ भी कीजिए, 50, 500, 1000 कुछ भी कीजिए, वही खर्चा शायद थोड़ा सा कम ज्यादा होगा पाकिस्तान के लिए, उतने में वो हमारी 500 और 1000 रुपए की हमारी इकोनॉमी खलास करती है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजेक्शन से। यह हाई पावर्ड मनी जब इंडिया में आता है सभी जगह घूमने लगता है, उससे सब कुछ परचेस किया जा सकता है, पॉलिटिशियन को, हमारे पुलिस व्यवस्था को, हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे शिक्षण व्यवस्था को, नॉन ट्रेसेबल, उसको चैलेंज भी नहीं दे सकते। हाई पावर्ड मनी किसको समझता है, ये नोट जेन्युइन है नहीं है। पाकिस्तान भी उसी से परचेस करता है पेपर जिससे हम पेपर परचेस करते हैं, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी ग्लोबली ओपन है।
आज बैंक मनी और क्रेडिट मनी में जो फर्क हो रहा है, आज पूरे यूके इंग्लैंड कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की सोच रही है टेररिस्ट के अरेस्ट करने के लिए कि आपको विटामिन एम नहीं मिले। अगर दुनिया में कोई भी चीज बंदी है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है, मोटिव्स और मींस। मोटिव यानी आपके मन में हेतु होना चाहिए और वो हेतु के लिए आपके पास संसाधन होनी चाहिए। मोटिव्स जो आते हैं वो नीति से आते हैं, मोटिव जो आते हैं वो अर्थ से आते हैं, मींस आते वो अर्थ से आते हैं। किसी ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, अमेरिका ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मींस को अरेस्ट किया। और हम लोग सोचते हर बार कि वो मोटिव को बदलना पड़ेगा, हमें मींस को करेक्ट करना पड़ेगा। मोटिव्स के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है, मोरालिटी में तो हम फिलोसॉफी में दुनिया को फिलोसॉफी देते हैं। अमेरिका और भारत दोनों में अलग फर्क है, दोनों का पेट बहुत दुखता है, बहुत दर्द है दोनों के पेट में, लेकिन वजह 180 डिग्री में अलग है। एक का बहुत ज्यादा खाने से दुखता है, दूसरे का न खाने की वजह से दुखता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? पैसा इतना अहम हो गया और वो पैसा नहीं बन रहा है तो हमारे लिए क्या होगा? हम पैसे को कैसा बनाएंगे, बैंक से कैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे, ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे? और जैसे बाबा जी जो बात करते हैं कि 50 क्यों करेंसी नोट क्यों नहीं चाहिए ऊपर की, 39 रुपए के खर्चे में अगर पाकिस्तान को 50 की नोट बनानी है तो परवड़ेगी नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11 रुपए लगेंगे, बैंक्रप्ट हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन 39 रुपए में 500 और 1000 की अगर ये काउंटरफिट करेंसी बनी ना तो कितना प्रीमियम है। ये दाऊद कहां से इतने बड़ा फैला सकता है? ये कोई भी करप्शन का बेसिक टूल क्या है? हम में से इतने बड़े व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन है, हम रिश्वत किस में देते हैं? कभी चेक से दे सकते हैं? दाऊद ने कर मेरे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा, मुझे 2 लाख रुपए की रेंसम चाहिए, फिरौती चाहिए, मैं इतना ही पूछूंगा, मेरे पास करेंसी नहीं है, बोल कौन से नाम पे चेक दे दूं। दाऊद ले सकेगा वो पैसा? हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में एक तरफ जा रहे हैं कि ये सभी अर्थशास्त्रियों का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आम आदमी का, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। हम ट्रेसेबल नहीं बना पा रहे हैं हमारे अकाउंट्स को। आज जो सुरेश कलमाड़ी जो अंदर गए हैं वो अभी तक सिर्फ 300-350 करोड़ की इसमें जो ट्रेसेबल हुए है ट्रांजेक्शन, लेकिन हमें मालूम है कि वो फिगर कितनी बड़ी है। हमें उनकी ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है करप्शन की इसमें, और कानून तो वो चाहता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैंक की तरफ जाना पड़ेगा कैश से निकाल के। और वो कैसा होता है, वो क्या करनी चाहिए? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं, जो हम सामाजिक, हमारा समाज किस तरीके से आगे आ रहा है। हम ये सोशल रियलिटी बोल के इसको देख रहे हैं। हमारा एक बड़ा जहाज है, टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज, 121 करोड़ की हमारी उसमें पॉपुलेशन उसमें तैर रही है, उसमें प्रवास कर रही है। तो यह बड़ी जहाज एक जागतिकीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की इसके ऊपर जाके टकरी है, नीचे से छेद गया पानी ऊपर आ रहा है। ये इस जहाज में बड़े बड़े टीयर्स है, सबसे ऊपर वाला टीयर जो है वो पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर का है, बड़े आराम से वो टिकट निकाल के अंदर बैठे हैं सब, लेकिन दरवाजे बंद है। नंबर 2 वाला जो टीयर है उसमें सभी ऑर्गेनाइज क्लास, जो पेंशन होल्डर है, जिनके पास थोड़ी सी भविष्य की कुछ निधि है, कोई सुरक्षा है, वो बीच वाला है। और सबसे छोटे वाला जो क्लास है, नीचे वाला अनऑर्गेनाइज क्लास, हमारे देश में 70% पॉपुलेशन उसमें है। किसान हो, छोटे उद्योजक हो या स्टूडेंट्स हो, जहाज से नीचे से पानी आ रहा है, नीचे वाले क्लास के नाक तक पानी आ गया और ऊपर वाले दोनों के दरवाजे बंद है, उनको मालूम नहीं नीचे क्या हो रहा है। ये सब भाग रहे जान बचाने के लिए। 70% हमारे देश में आज ये कंडीशन है। ऐसा एक बड़ा जहाज टूट के अभी समंदर में पड़ा है जिसका नाम सोवियत यूनियन है, 1989 में टूट के पड़ा है, बिखर गया है। आज हमारे जहाज करप्शन और इसकी इसमें से एक कंडीशन में है, ऐसा हमें लगता है। ये इंटरप्रिटेशन ये गलत हो सकता है। आज हम सबकी एक ही ड्यूटी हो सकती है, एक ही कर्तव्य हो सकता है, अपने अपने कमरे छोड़ के वो जहाज को बचाना चाहिए। कोई भी चेंबर में हो, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, सीए हूं, बिजनेसमैन हूं, पहले वो जहाज बचना चाहिए। देश बचेगा तो हम तैरेंगे। हमारा देश अभी एक बड़ी बिल्डिंग जैसे खड़ा हो गया, ये पंचायत जैसी छोटी छोटी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल से लेके हम
जायंट इज पावरफुल की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। अभी एक ओनरशिप के बड़े बिल्डिंग जैसे हमारा देश खड़ा हुआ, आपको तो सबको मालूम है कि ओनरशिप के बिल्डिंग को जो पानी का सप्लाई होता है वो ओवरहेड टैंक से होता है, नीचे वाले कुएं से और रिजर्वायर से तो पानी ऊपर नहीं ले जा सकते। हम देख रहे हैं कि इतने बड़े इसमें ऊपर वाले जो हौद है, टैंकर है, टैंक, उसमें से वाटर लेवल कम होती जा रही है, इसलिए बहुत से नल को पानी नहीं आ रहा है नीचे। हम समझ नहीं पा रहे कि ऊपर वाले टंकी में पानी क्यों नहीं है। हम जब पीछे जाके देखते हैं तो पीछे वाले हौद में तो बहुत पानी है, पंप चालू है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो बीच में से पानी बाहर आ रहा है। ये ऊपर वाली टंकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती है, और ये जो पानी उठाने वाली जो होती है उसको टैक्स पैटर्न बोलते हैं, जैसे अभी बापा जी बोल रहे थे। वो गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं रहे, वो बीच में से बाहर निकल रहे, उसको काला पैसा या ब्लैक मनी बोलते हैं। और उसका एक अलग पॉन्ड बन गया बाहर जो आउट ऑफ गवर्नेंस है, दैट इज पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था। अभी सरकार को ऐसा लग रहा है कि ऊपर की टंकी भरने के लिए नीचे वाले टैंक इसमें हौद में पानी डालो, बाहर से टैंकर से पानी लाके डाल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या एसईजेड हो, उनको लग रहा है कि ये नीचे वाले हौद में पानी आएगा तो ऊपर जाएगा। कैसा जाएगा जब तक ये अंदर है? ये जो बड़ी बड़ी फिगर आ रही ना, 1,72,000 करोड़, एफडीआई नीचे आ रहा है, बाहर से जाके घूम के फिर बाहर जा रहा है। और अभी सभी व्यवस्थाएं, सबको पानी की जरूरत है, आम आदमी को भी मजबूरन यहां जाना पड़ रहा है, पैरेलल इकोनॉमी की तरह। आम आदमी को अगर एक फ्लैट लेना है तो सफेद पैसे में पूरा फ्लैट कभी नहीं मिलेगा, उसको तो देना ही पड़ेगा। मैं रिश्वत लेना नहीं चाहता, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगी, ये तो मेरी मजबूरी है। और ये आ रहा है यहां से, और ये टोटली आउट ऑफ गवर्नेंस है। ये अगली वाली सिस्टम गवर्नेंस में है क्योंकि उसको टैप है, लेकिन यहां क्या कर सकते हम? आज को जो सब फैला हुआ है ना, वो पैरेलल इकोनॉमी से आ रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि ये नलिया बदलने के सिवा कोई और रास्ता है अपने पास? कोई रास्ता है? आम आदमी का बजट और सरकार का बजट बिल्कुल उल्टा होता है। आम आदमी का जो इकोनॉमिक बजट होता है वो ऐसा होता है कि पहले उसकी आय वो समझता है कि मेरी आय कितनी है, मेरा वेतन कितना है या मेरी इनकम कितनी है, उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर प्लान यानी व्यय वो निकालता है कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, 2,000 रुपए मेरे घर खर्चे के लिए, 1,000 रुपए मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए, 1 हफ्ता एजुकेशन के लिए, कुछ हॉस्पिटल के लिए, जो पैसे मेरे पास बचते हैं मैं उसका सेविंग